कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सपर्ट्स के साथ एक अहम बैठक हुई है। बैठक में ऑक्सीजन किल्लत समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने पर चर्चा हुई है। देश भर में 1500 PSA प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी है। देखिए तो ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने अलग अलग एजेंसियों के साथ बैठक भी की थी और उस बैठक के बाद कई सारे प्लांट्स लगाने के निर्णय लिए गए। इसके अलावा अस्पतालों को जो ऑक्सीजन प्लांट्स खुद का लगाने जो अस्पताल चाहते हैं, एक सर्टन लिमिटेड ऑफ बेड से ज़्यादा जिन अस्पतालों के पास है, अगर वो अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं तो उनको भी मंजूरी दी गई। उसके लिए जो भी कई सारे नियम है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया और जहाँ तक मुझे जानकारी है दिल्ली में कई सारे अस्पतालों में ये प्लांट लगने की प्रक्रिया शुरू भी हो रही है, जिससे कि कम से कम ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। तो जो इस पूरे कोविड काल में सबसे बड़ा रामबाण जो निकल कर सामने आया है वो ऑक्सीजन है और उसकी कमी से कई सारे अस्पताल दो चार हुए, कई सारे मरीजों की मौत भी हुई और ऐसी स्थिति के हम मतलब एक तरह से कहते हैं कि गवाह बने, जिसके लिए हम लोग कभी सोचा भी नहीं था, चाहे वो गंगाराम में हुआ हो, चाहे फिर वो बत्रा अस्पताल में हुआ हो, चाहे जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुआ हो या देश में कहीं भी हुआ हो। तो बहुत जल्दी ही ऐसा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की किल्लत से मैं जल्दी से एक बार गंगाराम का आपने क्योंकि जिक्र किया, खुद डॉक्टर राणा हमारे साथ, उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर राणा, देखिए सरकार जोर शोर से जुटी हुई है, इसका असर कुछ दिख रहा है क्या जमीन पर आप लोगों को? जो उस समय किल्लत हो रही थी आज से हफ्ता भर पहले, क्या अभी भी वही समय स्थिति बनी हुई है या सुधार हुआ है? अभी भी कमी बनी हुई है, ये बात कहना चाहता हूँ कि हर दिन स्थिति इम्प्रूव हो रही है, रोज सुधार होता है, हर दिन ऑक्सीजन सप्लाई में सुधार हो रहा है। अभी दिल्ली सरकार को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए वो अच्छी तरह हमारा रिजर्व नहीं दे पाते हैं, पर एटलीस्ट समय समय पर ऑक्सीजन देते रहते हैं, जिससे मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन जीरो हो गई कि पेशेंट मर जाएँ ऑक्सीजन के बगैर। पर अभी कमी बनी हुई है, अभी आज और कल उम्मीद है कि कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि कई सारे अस्पतालों से डॉक्टर राणा ऐसी खबर आई। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की जो खबर है ना कि हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, उसी से जोड़ के मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। क्या कई अस्पतालों ने अपने यहां मरीजों को एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है या हम नहीं बना कर सकते आपको एडमिट? क्या ऐसा तो कोई स्थिति आपके यहां भी तो नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है या टास्क फोर्स बोल रही है? मेरे मुताबिक नेशनल पहले भी पॉलिसी है, पर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। VIP कल्चर नहीं होना चाहिए कि कोई VIP जिसके नॉन है हॉस्पिटल के तो उनको टेलीफोन करें, नहीं तो करी दो। जो एक पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के अंडर आते हैं तो भर्ती करो, और सारे अस्पताल भर्ती करना चाहते हैं। हाँ, यदि ऑक्सीजन में अस्पताल के पास ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या करेंगे? पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते हैं, वो तो घर के बाहर रहता ही होगा, फिर तो वो अस्पताल इनकार कर ही सकते हैं। पर यह स्थिति मेरे ख्याल में खत्म हो जानी चाहिए 2-3 दिन में। सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं, बाहर से हेल्प आ रही है, तो हेल्प ठीक हो जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।